दोस्तों वन प्लस अपना न्यू स्मार्टफोन वन प्लस नोट 4 को लॉन्च करने के लिए तैयार है और ये फ़ोन चाइनीज़ मार्केट में वन प्लस S3 भी के नाम से लॉन्च होगा और इंडिया में ये वन प्लस नोट 4 के नाम से ही आएगा। और इस फ़ोन के लॉन्च डेट और फर्स्ट लुक को लेकर के कुछ नया अपडेट आया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फ़ोन दिखने में कैसा होगा, इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा और ये फ़ोन कितने प्राइस पर आएगा और ये फ़ोन इंडिया में कब आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में वन प्लस नोट 4 के बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन के लुक का बात करें तो देखिए ये फ़ोन दिखने में कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस फ़ोन का फर्स्ट लुक बाहर निकल के आ गया है। ये फ़ोन बैक साइड से ग्लास बैक के साथ आएगा, फ्रेम इसका प्लास्टिक का ही होगा और इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा और एक LED फ्लैश रहेगा। फ़ोन दिखने में बैक साइड से बढ़िया होगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा। साइड का बेजल्स और चीन बहुत कम रहेगा, फ़ोन फ्रंट साइड से भी दिखने में बढ़िया होगा। और इसका जो ये बैक लुक है ये प्रीवियस वन प्लस नोट 3 के कंपेरिजन में एकदम डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि वन प्लस नोट 3 5G में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया था और कैमरा मॉड्यूल भी बराबर था और LED फ्लैश साइड में था, लेकिन इसमें दो ही कैमरा का सेटअप दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल भी छोटा छोटा है और कैमरा और LED फ्लैश वर्टिकली दिया गया है। और देखिए फ़ोन इन हैंड फीलिंग में भी बढ़िया होगा, जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देने वाला लुक में फ़ोन परफेक्ट होने वाला है। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा और ये LTPO डिस्प्ले होगा, यानी कि इसमें रिफ्रेश रेट वेरिएबल होगा और इसमें 3000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। फ़ोन डिस्प्ले में बेस्ट होने वाला है। जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो फ़ोन चलाने में आपको एकदम स्मूथ लगेगा, कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या स्क्रोलिंग करेंगे तो ये सब में फ़ोन बेस्ट होगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में तो खैर एकदम कमाल का होने वाला है। जब आप इसमें कोई भी हाई रेजोल्यूशन का वीडियो प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे या कोई HDR वीडियो प्ले करेंगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। फ़ोन डिस्प्ले में आपको 100% सर्टिफाइड करने वाला फ़ोन का डिस्प्ले टॉप क्लास का होगा। वहीं इस फ़ोन के कैमरा का बात करें तो देखिए पहले बहुत सारा लीक्स आ रहा था जहां बताया जा रहा था कि ये फ़ोन रियर साइड से ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ़ोन डुअल कैमरा सेटअप के साथ ही आएगा जहां कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि OIS के साथ आएगा और इसमें सेंसर किस कंपनी का होगा ये अभी पता नहीं चला है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा रहेगा और सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। वैसे बहुत सारा लीक्स आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि ये फ़ोन सोनी के सेंसर के साथ ही आने वाला है। तो देखिए फ़ोन कैमरा डिपार्टमेंट में बढ़िया होने वाला है। जब आप इस फ़ोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छा फोटो आएगा, डिटेल्ड फोटो आएगा, कलर को भी अच्छे से बैलेंस रखेगा, डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, लो लाइट में भी अच्छा फोटो निकाल के देगा। कुल मिला के देखिएगा तो फ़ोन कैमरा में बेस्ट होने वाला है और इस फ़ोन के रियर कैमरा से आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे, वीडियो का भी क्वालिटी बहुत अच्छा निकाल के देगा। कुल मिला के देखिएगा तो फ़ोन कैमरा में बेस्ट होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि क्वालकॉम का एक न्यू प्रोसेसर होगा और ये 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना होगा तो बैटरी इफिशियंट होगा ही और इसका NT2 स्कोर 1 मिलियन के आसपास ही रहने वाला है। फ़ोन परफॉर्मेंस में भी बेस्ट होगा, जब आप इस फ़ोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे और एक गेमिंग करने वाले यूज़र के लिए फ़ोन बेस्ट होगा और एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो खैर बढ़िया रहेगा ही रहेगा। आप अगर एक नॉर्मल यूज़र रहेंगे तो ये फ़ोन आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया होगा और इस फ़ोन को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, उस मामले में भी फ़ोन बेस्ट होगा। वहीं इस फ़ोन का स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के भी साथ आएगा तो फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी एकदम बेस्ट होने वाला है। जब आप इस फ़ोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, चाहे ऐप वो बड़े साइज़ का हो या छोटे साइज का हो, ऐप एकदम फास्ट ओपन होगा और जब आप एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करेंगे तो ये भी फास्ट होगा। बैकग्राउंड में जब आप कोई भी ऐप को रन कराएंगे तो उसमें भी बढ़िया होगा और जब आप गेमिंग करेंगे इसमें तो गेमिंग आप और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि रैम टाइप ज़्यादा बढ़िया मिलेगा तो डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। इस वजह से फ़ोन गेमिंग में भी बेस्ट होगा। कुल मिला के देखिएगा तो फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में फ़ोन परफेक्ट होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 5500mAh के बैटरी के साथ आएगा जहां 80W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा तो फ़ोन बैटरी में बेस्ट होने वाला है। जनरली देखिए 5000mAh का ही बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें 5500mAh का बैटरी मिलेगा तो बैटरी में फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा और इसमें डेडिकेटेड 2 स्पीकर ग्रिल भी मिलेगा, एक टॉप साइड पे और एक बॉटम साइड पे, तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में बेस्ट होने वाला है। और इसमें NFC का भी सपोर्ट मिलेगा, ये IR ब्लास्टर के भी साथ आएगा, लेकिन इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं मिलेगा तो ये 3.5mm हेडफोन जैक में थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। और इसमें डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे लेकिन 2 सिम आप लगा पाएंगे।
वहीं OnePlus का अपना एक पॉपुलर फीचर अलर्ट स्लाइडर भी इसमें मिलेगा और ये फोन के लेफ्ट साइड में रहेगा। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, अलर्ट स्लाइडर लेफ्ट साइड पे ही दिया गया है। और दोस्तों, ये फ़ोन फनटच OS 14 पर रन करेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि 3 साल का मेजर अपडेट आपको मिल सकता है। तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 17 तक जाने वाला है। दोस्तों, यही सब कुछ हाइलाइटेड डिटेल्स था ये OnePlus Nord 4 से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। देखिए, यही सब डिटेल्स के साथ ये फ़ोन पहले चाइनीज मार्केट में लॉन्च होगा और चाइनीज मार्केट में ये फ़ोन OnePlus S3 V के नाम से लॉन्च होगा। उसके बाद ये फ़ोन इंडियन मार्केट में OnePlus Nord 4 या फिर OnePlus Nord 5 के नाम से आने वाला है, ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है। लॉन्च का बात करें तो लीक्स में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन मार्च के मंथ में ही चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब देखिए, मार्च में ये किस डेट पर लॉन्च होगा ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये फ़ोन मार्च में चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म हो गया है। इंडिया लॉन्च का बात करें तो दोस्तों, देखिए, ये फोन इंडियन मार्केट में अप्रैल एंड तक आ सकता है, ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है। ऐसे अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आया है। वहीं प्राइस का बात करें तो देखिए, इस फोन का प्राइस इंडियन मार्केट में 30,000 या फिर 31,000 रुपये रहने वाला है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो भी न्यू अपडेट आया था OnePlus Nord 4 से रिलेटेड, वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए आगे, और जो भी अपडेट आएगा वो सारा डिटेल्स आपको बताते जाएंगे। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।